नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। हाई अलर्ट की शुरुआत करते हैं। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं भदोही के बाहुबली विधायक के दबंग बेटे का वो वीडियो जो सीधे सीधे पुलिस के लिए चुनौती है। बताएंगे एक प्रेमी को एंगेजमेंट पर बेवफाई का क्या तोहफा मिला, साथ ही बात कुछ और चीजों की भी होगी। तो शुरुआत करते हैं हाई अलर्ट। भदोही का बाहुबली विधायक और डॉन विजय मिश्रा बेशक इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन एक साल से यूपी एसटीएफ का चकमा दे रहा उसका बेटा विष्णु मिश्रा भी कम दबंग नहीं है और वो पुलिस के पसीने छुड़ा रहा है। देखिए, बाप डॉन, बेटा दबंग। आई एम विष्णु कुमार मिश्रा, अ वेरी प्राउड सन ऑफ मिस्टर विजय कुमार मिश्रा। एसटीएफ को विष्णु मिश्रा की चुनौती। तो इतनी योग्य एसटीएफ टीम जिन्होंने इतने बदमाशों को पकड़ा है, ढेर किया है, हाँ हमें भी ढेर करने के प्रयास में लगे हुए हैं ऐसा जैसा प्रतीत हो रहा है, वो मुझे पकड़ क्यों नहीं पाई। भदोही में दबे, मुंबई में विष्णु मिश्रा। महाराष्ट्र मुंबई इस होटल में, होटल का नाम श्री श्लोक रेसिडेंसी है, जय अंबे नगर, चेडा नगर, मानकोट लिंक रोड, चेंबूर। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा जो कि इस वक्त आगरा जेल में बंद है, उनके बेटे विष्णु की यूपी एसटीएफ सरगर्मी से तलाश कर रही है। पिछले एक साल से यूपी पुलिस को चकमा देने वाले विष्णु मिश्रा ने अब एक वीडियो जारी कर एसटीएफ को चुनौती दी है। नमस्कार साथियों, आई एम विष्णु कुमार मिश्रा, अ वेरी प्राउड सन ऑफ मिस्टर विजय कुमार मिश्रा, एमएलए ज्ञानपुर। हमें पता चला है अभी कि परसों चंदन तिवारी के नाम के एक मासूम लड़के को, जो कि बहुत चर्चित था, जो कि प्रधानी 250-300 वोट से जीता था, जो कि एक युवा और बहुत ही योग्य ब्राह्मण था, वो दिन भर गल्ला बांट रहा था और उसके बाद वो अपने घर जा रहा था। एसटीएफ की टीम और गोपीगंज थाना की पुलिस रामबदन सिंह कप्तान के अंडर, हाँ, उनके प्लानिंग में, उनके गाइडेंस में, उनके साजिश में उस लड़के को रोके, पकड़े और उसके ऊपर एक 9mm पिस्तौल बरामद किया गया। ये लगभग प्रेस रिपोर्ट के हिसाब से शाम के 5:50 7 सितंबर 2021 की घटना है। विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा का ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब 4 दिन पहले यूपीएसटीएफ उसकी तलाश में भदोही पहुंची थी और दावा किया था कि अनापुर का ग्राम प्रधान चंदन तिवारी फरार विष्णु मिश्रा को शरण दिए हुए था। साथ ही एसटीएफ का दावा था कि विष्णु फरार हो गया, लेकिन ग्राम प्रधान के घर पर उसकी 2 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। विष्णु मिश्रा पहले से ही 2 मुकदमों में हमारे यहाँ वांछित चल रहा था और जो विवेचनाएं हैं वो एसटीएफ द्वारा की जा रही हैं, उसी के क्रम में उनको सूचना मिली थी कि शायद वह आया हुआ है और तब उन्होंने दबिश दिया था आनापुर में। तो चंदन तिवारी के घर उन्होंने जब दबिश डाला तो चंदन तिवारी भी मिला और एसटीएफ वालों कहना है कि वो विष्णु मिश्रा भी अपनी पिस्टल छोड़ करके भाग गया और ये जो चंदन तिवारी उससे भी ये पिस्टल 9mm की बरामद हुई है और इसका मुकदमा गोपीगंज में पंजीकृत किया गया है, आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ की दबिश को विष्णु मिश्रा ने दी चुनौती। वीडियो जारी कर कार्रवाई पर उठाई सवाल। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और उसके बेटे विष्णु मिश्रा पर रिश्तेदार की जमीन कब्जाने और युवती के साथ दुष्कर्म करने समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें विधायक विजय मिश्रा तो आगरा जेल में बंद है लेकिन उसका बेटा पिछले एक साल से पुलिस को चकमा दे रहा है। अब विष्णु मिश्रा ने एसटीएफ की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए वीडियो जारी किया है जिसमें उसने पुलिस की पूरी थ्योरी को ही गलत बताया। पहला सवाल हमारा ये है कि भाई चंदन गिरफ्तार हुए, हमको पता कैसे चला? जहाँ वो गिरफ्तार हुए उसके 1.5-2 किलोमीटर दूर चंदन का घर है। तो इतनी योग्य एसटीएफ टीम जिन्होंने इतने बदमाशों को पकड़ा है, ढेर किया है, हाँ हमें भी ढेर करने के प्रयास में लगे हुए हैं ऐसा जैसा प्रतीत हो रहा है, वो मुझे पकड़ क्यों नहीं पाई? और अगर मैं चंदन के घर में था तो मैं भागा यह जानते हुए कि पुलिस आने वाली है। तो एसटीएफ और रामबदन की और थाना की कथित कहानी के अनुसार कि विष्णु को पता चल गया और वो पिस्तौल छोड़ के भाग गया, तो हमको जब मालूम था कि पुलिस आ रही है तो हम वहाँ पर पिस्तौल पुलिस के लिए क्यों छोड़ जाएंगे? और पिस्तौल छोड़ेंगे तो उस पर कुछ फिंगरप्रिंट वगैरह हमारा तो होगा। फरार विष्णु मिश्रा मौजूदा वक्त में खुद को मुंबई में बता रहा है,
साथ ही एसटीएफ के उस दावे पर भी सवाल खड़े कर रहा है जिसमें कहा गया है कि विष्णु अपने दोस्त ग्राम प्रधान चंदन के घर ज्ञानपुर में बीते 7 सितंबर को मौजूद था। खैर, ये हमारा बचाव पक्ष नहीं है। आज 9 तारीख है, लगभग 12 बज रहे हैं। हम महाराष्ट्र के मुंबई शहर के एक होटल में हैं और इस होटल में तकरीबन 7 तारीख को 11 बजे, यदि एसटीएफ ने मुझे 5:30 बजे चंदन के घर में देखा है ज्ञानपुर में, तो आज भी हिंदुस्तान में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हम 11-12 बजे इस होटल में पहुंच सकें उसी दिन। फरार विष्णु मिश्रा ने एसटीएफ और भदोही के कप्तान पर उसका एनकाउंटर किए जाने का भी शक जाहिर किया है। जारी वीडियो में विष्णु ने मुंबई के होटल की तस्वीर भी दिखाई है। ऐसे में दबिश की कार्रवाई और विष्णु के फरार होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भदोही से एबीपी गंगा के लिए रोहित गुप्ता की रिपोर्ट। तो वीडियो में दबंगई दिख रही है, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रेन में हथियार ले जाना मना होता है, लेकिन दिल्ली से हैदराबाद जा रही एक ट्रेन के अंदर से हथियारों का जखीरा मिला तो हड़कंप मच गया। 2 लावारिस बैग में भरे ये हथियार किसके हैं और कहां ले जाए जा रहे थे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए दिल्ली टू हैदराबाद टेरर एक्सप्रेस। ट्रेन की बोगी में मिला हथियारों का जखीरा। लावारिस बैग में मिले कई हथियार और कारतूस। झांसी रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब आरपीएफ को फोन पर किसी ने जानकारी दी कि तेलंगाना को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में लावारिस बैग रखा हुआ है। लावारिस बैग की सूचना के बाद आरपीएफ के जवान पूरी तैयारी के साथ तेलंगाना ट्रेन में पहुंचे। जब बोगी की तलाशी के दौरान उन्हें एक और लावारिस बैग मिला। आरपीएफ के जवानों ने जब दोनों लावारिस बैगों की तलाशी ली तो बैग के अंदर रखा सामान होश उड़ाने वाला था। बोगी की तलाशी में मिला एक और लावारिस बैग। दोनों लावारिस बैगों में भरी थी बंदूकें। तेलंगाना एक्सप्रेस के जनरल कोच में मिले दोनों लावारिस बैग की जब आरपीएफ और जीआरपी ने तलाशी ली तो उसमें उन्हें 5 SBBL गन और 32 कारतूस मिले। साथ ही बैग में सिक्योरिटी कंपनी के कार्ड और मोहम्मद रफीक और वाजिद नाम के 2 शस्त्र लाइसेंस, मोबाइल और कुछ अन्य सामान मिला है। आरपीएफ को सूचना मिली कि कुछ लावारिस बैग तेलंगाना एक्सप्रेस में जनरल कोच में पाए गए और वहाँ सर्च करने पर 2 हमें बैग्स मिले जिसमें कि 5 SBBL गन्स मिली। साथ में हमें 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जो कि तेलंगाना में काम करते हैं हैदराबाद में, उनके आई कार्ड मिले और कुछ आर्म्स लाइसेंस भी मिला है। तो इस संबंध में हमने एक अभियोग पंजीकृत किया है आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत जीआरपी थाना झांसी में और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। आरपीएफ ने मामले की जानकारी देते हुए जीआरपी थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया है और बैग में मिले पहचान पत्रों के आधार पर बैग के मालिकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ट्रेन में लावारिस बैग में हथियार मिलना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रेन तेलंगाना से जम्मू जा रही थी। झांसी से एबीपी गंगा के लिए चंद्रकांत की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जिसके खतरनाक इरादों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। अपने प्रेमी को उसके एंगेजमेंट वाले दिन इस महिला ने ऐसा तोहफा दिया जो लोगों के जिस्म में सिहरन पैदा कर रहा है। देखिए सगाई वाले दिन बेवफाई वाला बदला। बदले की आग में धधकती खौफनाक वारदात। एंगेजमेंट वाले दिन लिया आशिक से बदला। नहर में मिली थी आशिक की लाश। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस महिला के इरादे इतने खौफनाक रहे हैं कि इसने अपने साथ साथ कई जिंदगियों को एक साथ तबाह कर दिया। इस महिला ने बदले की आग में वो वारदात को अंजाम दिया जिसे देखने
और सुनने वालों के होश फाकता है। इस महिला ने बेवफाई की सजा अपने आशिक को कुछ इस अंजाम में दी कि हर कोई हैरान है। प्रेमिका ने पहले आशिक का किया किडनैप, फिर एंगेजमेंट वाले दिन घर भेजी उसकी लाश। बीते 31 अगस्त को प्रतापगढ़ की शारदा नहर में एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी पहचान लालगंज कोतवाली के रहने वाले राजेंद्र वर्मा के रूप में हुई थी। गुजरात के बड़ोदरा में काम करने वाला राजेंद्र की बीते 31 अगस्त को एंगेजमेंट होनी थी, लेकिन उसकी लाश मिलने से हड़कंप मच गया था। वो अपने एंगेजमेंट में शामिल होने के लिए 29 तारीख को गुजरात से निकला था। रात 9:30 बजे तक उसकी अपने पिता से बात भी हुई, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं पहुंचा क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उसका किडनैप कर लिया था। हत्या के पीछे था अवैध संबंधों का ताना बाना, प्रेमिका को रास नहीं आया आशिक का छोड़कर जाना। दरअसल इस महिला का नाम सोना देवी है, जो कि पहले से शादीशुदा है और इसका अवैध संबंध राजेंद्र वर्मा के साथ था। पिछले कई सालों से ये राजेंद्र के साथ नाजायज रिश्तों में थी, लेकिन सोना देवी इन नाजायज रिश्तों को शादी के बंधन में बांधना चाहती थी। फिर एक दिन उसे अपने आशिक राजेंद्र वर्मा की एंगेजमेंट की जानकारी मिली, जिसके बाद उसने अपने प्रेमी की बेवफाई का बदला लेने का प्लान बना डाला। भाई के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या, एंगेजमेंट वाले दिन परिवार को मिली लाश। पुलिस के मुताबिक राजेंद्र की शादी तय हो चुकी थी, 31 अगस्त को उसकी एंगेजमेंट होनी थी, जिसके लिए राजेंद्र बड़ोदरा से घर के लिए निकल चुका था। लखनऊ पहुंचने के बाद पचरामा इलाके से उसकी प्रेमिका सोना देवी ने राजेंद्र को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में सोना देवी का भाई और उसके दो साथी पहले से मौजूद थे। लालगंज तक सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद सोना देवी, उसका भाई और उसके दोनों साथियों ने मिलकर राजेंद्र वर्मा का गला रेत कर मौत की घाट उतार दिया और नहर में शव को फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी महिला सोना देवी की निशानदेही पर वो आलाय कत्ल भी बरामद कर लिया है, जिससे राजेंद्र वर्मा का गला रेता गया था। लालगंज थाना क्षेत्र में 31 अगस्त को एक डेड बॉडी मिली थी नहर में, उसका पोस्टमार्टम कराया गया था और उसके परिजनों ने एप्लीकेशन दिया था, जिस पर 302 IPC में FIR दर्ज की गई थी। उस घटना का आज SO लालगंज और उनकी टीम ने खुलासा किया है और उसमें एक अभियुक्ता को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और आला कत्ल बरामद किया गया है। शेष 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिसका प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के लिए राजेंद्र वर्मा की लाश मिलने के बाद उसके कातिल तक पहुंचना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन इस पूरे प्रकरण में सर्विलांस और मोबाइल कॉल डिटेल ने अहम भूमिका निभाई। दोनों के आधार पर पुलिस सोना देवी तक पहुंची और राजेंद्र वर्मा के कातिलों को बेनकाब कर सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। रोक के बावजूद मेट्रो सिटी में हुक्का बार गुलजार हैं और वहां हो रहा है नशे का कारोबार। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसा ही हुक्का बार पकड़ा है, जहां पर बार की आड़ में हो रहा था नशा धुआंधार। रोक के बावजूद गुलजार हुक्का बार, हुक्का बार में चल रहा नशे का व्यापार। प्रदेश में हुक्का बारों पर रोक लगाई जा चुकी है, क्योंकि हुक्के बार की आड़ में ज्यादातर रेस्टोरेंट नशे का कारोबार कर रहे थे, लेकिन इस रोक के बावजूद भी गाजियाबाद की कवि नगर में हुक्का बार गुलजार था। जानकारी मिलने पर पुलिस जब हुक्का बार में दाखिल हुई तो वहाँ एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लड़के और लड़कियां मौजूद थीं, जो धुएं के छल्ले उड़ा रहे थे। हुक्का बार से 22 लोग हुए गिरफ्तार। पुलिस को एक सूचना मिली थी कि RDX में एक हुक्का बार चल रहा है, यहाँ पर कई पुरुष महिलाएं मौजूद हैं। जानकारी के बाद पुलिस ने तुरंत छापा मारा तो पुलिस को मौके से 16 युवक और 6 युवतियां हुक्का बार में मिले, तो वहीं पुलिस को देखकर दो युवक भागने में कामयाब रहे। थाना कवीनगर पुलिस द्वारा एक अवैध रूप से संचालित हुक्का बार में छापामारी कर 22 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। ये कैफे हर्ट बीट नामक कैफे से RDC क्षेत्र में चलाया जा रहा था और इसमें 6 लड़कियां और अन्य पुरुष सम्मिलित हैं। इसमें एक बार संचालक समीर नाम का है, वो भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने इनके पास से छोटे बड़े 10 चिलम, 13 रंग बिरंगे पाइप, 14 अदद स्मैक, कोयला सिल्वर रंग, 1 सिल्वर रोल, 3 डिब्बी तमाकू, ऑरेंज फ्लेवर DBI स्पेशल फ्लेवर, ब्लूबेरी फ्लेवर बरामद किए गए हैं। UP में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए हुक्का बार बंद करने के आदेश हैं।
साथ ही कोरोना काल में ऐसे बारों में लगने वाली भीड़ पर भी रोक है। बावजूद इसके मेट्रो सिटीज में ऐसे तमाम हुक्काबार गुलजार नजर आते हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट। खो खो के नेशनल लेवल के खिलाड़ी घर से नौकरी की तलाश में निकली, लेकिन परिवार को उसकी मौत की खबर मिली। महिला खिलाड़ी की लाश रेलवे ट्रैक पर पाई गई, उसके हाथ पैर बंधे होने पर खिलाड़ी के खून पर सस्पेंस बना हुआ है। वो शानदार खिलाड़ी थी, वो खो खो की नेशनल प्लेयर थी, वो उड़ना चाहती थी ऊंची उड़ान, लेकिन दिया गया खूनी वारदात को अंजाम। बिजनौर पुलिस को रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवती के शव होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक युवती का शव पड़ा हुआ था। उस युवती की लाश दुपट्टे से बंधी हुई थी, जिसे देखकर हड़कंप मच गया। लाश मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और जब हुई उस महिला की शिनाख्त तो उड़ गए होश। ये लाश थी एक नेशनल प्लेयर की, जो कुछ करना चाहती थी, जो कुछ बनना चाहती थी। शव की शिनाख्त बबली के तौर पर हुई है। बबली खोखो की नेशनल प्लेयर थी। रेलवे स्टेशन के पास से मिली लाश, दुपट्टे से बंधा हुआ था बबली का शव। जॉब के लिए घर से निकली थी मृतका। जैसे ही बबली की लाश मिलने की जानकारी परिवार वालों को मिली, हड़कंप मच गया। इस दौरान बबली की बहन ने बताया कि बबली का किसी से कोई विवाद नहीं था। एक दिन पहले वो रिज्यूम लेकर निकली थी, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी और शाम को बबली का शव रेलवे ट्रैक के पास मिला। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस बबली के फोन कॉल को तलाश रही है कि आखिरी बार बबली की बात किससे हुई, रिज्यूम लेकर कहां निकली थी बबली, इस दौरान बबली किससे मिली। यहां पे कल एक सूचना प्राप्त हुई थी चौकी बिजनौर पे कि एक लड़की की बॉडी मिली है, तो इसके ऊपर जब बॉडी मिली थी तो उसके ऊपर हमने FIR पंजीकृत कराई है सुसंगत धाराओं में, और पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद अब PM उसका चल रहा है और आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें करके सही तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। पुलिस तत्परता के साथ जरूर आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन फिर भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। एबीपी गंगा के लिए मुरादाबाद से सरफराज की रिपोर्ट।